नमस्कार। आज मैं आपको कैंसर जिन माता जी का ठीक हुआ उनसे मिलवाऊंगा और उन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे। उन्होंने क्या खाया, कैसी थी उनकी दिनचर्या, क्या वो योग करती रही, क्या उन्होंने औषधियाँ ली, दवाइयाँ ली, जिससे वो आज ठीक हैं। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ बोलो मैया, क्या नाम है? मैं परमजीत कौर, अमृतसर की रहने वाली हूँ। अच्छा। और मेरे को कैंसर का लक्ष था। अच्छा। और मेरे फेफड़ों में पानी भर जाता था। फेफड़ों में पानी भर जाता था, ठीक है। पहले हार्ट के पास भी पानी भर जाता था, ठीक है। अब वो तो ठीक है, मतलब जो मेरे फेफड़ों में पानी भरता था अब वो भी स्वामी जी की दवाई से, जड़ी बूटियों से ठीक है। और कैंसर कैसा है? कैंसर अब मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई है। आपको पहले तकलीफ कब हुई है? जी मेरे को तकरीबन 2 साल की तकलीफ है। 2 साल से? हाँ जी। और कितने दवाइयाँ खाई आपने, कोई कीमो कुछ हुआ? मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत खाई। हाँ। 3 बार मैंने हार्ट का पानी भी निकलवाया। अच्छा। और उसके बाद हार्ट का पानी तो ठीक हो गया, ठीक है। और लंग्स में पानी बन गया, ठीक है। तो इसके बाद लंग्स का पानी भी निकलवाया, ठीक है। तो बाद में फिर लंग्स में पानी बन गया, स्वामी और अच्छा पास आए, ठीक है। कीमो कीमो भी हुई, उससे कितनी फर्क नहीं पड़ा? कितनी 3 कीमो हुई थी, 3 कीमो से फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। फिर पानी बन गया, फिर पानी बन गया। अच्छा। अब हम स्वामी जी के पास आए, महीना हो गया आज के लिए, ठीक। इन्होंने हमको डाइट बताई, ठीक है। ग्रीन जूस बताया, हाँ। पिया और इनके हिसाब से डाइट खाई और इनकी दवाइयाँ खाई और अब कैंसर तो बिल्कुल पेट स्कैन कराया, बिल्कुल नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई है। अब थोड़ा सा लंग्स में पानी है, थोड़ा सा पानी है, ठीक है। और वो भी इनकी कृपा से, वाहेगुरु परमात्मा की कृपा से ठीक हो जाएगा। हाँ, ये परमात्मा बड़ा चलाक है, करता वो आप है, नाम दूसरों के लगाता है। ये अब खुश हो? बहुत खुश। तो योग कितना करते थे भैया? सुबह शाम योग करते थे। कितनी देर करते थे? 1.5 घंटे, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे सुबह करते, 1.5 घंटा शाम को करते। कितना मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा सुबह शाम योग किया है? क्या किया है योग में? भस्त्रिका, 3 प्राणायाम पे जोर दिया आपने, मतलब 1.5 घंटे सवेरे, 1.5 घंटे शामी, खाली पेट, खाली पेट, ये इतना योग आपने किया है। और फिर साथ में दवाई आयुर्वेद की काम करी है, तो 1 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल आई, जो कि कीमो कराने के बाद भी नॉर्मल नहीं थी ना? अच्छा, उठा नहीं जाता था। आओ जरा आप भी, आपको इनके में श्रीमान, हाँ राइट ब्रेस्ट, दो गिल्टियाँ थी ना राइट ब्रेस्ट में, 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आज नहीं आई वो रिपोर्ट। और अब 2 दिन पहले रिपोर्ट कराई है तो अब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई अब कोई गिल्टी नहीं है, ठीक है। चलो आओ जरा मैं आपसे बात करूँ। ये इनके श्रीमान जी हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। अरे मेरी पत्नी 2008 में मतलब कैंसर की शिकायत थी जी, बढ़िया दवाइयाँ कराइया, मतलब अस्पताल में थी, मतलब मतलब 1 साल 2 बारी पानी निकालना पैदा से अपने हार्ट दिला के पानी आ जाता सी, ठीक है। कैंसर के नाम तो कीमो भी कराइया ने, हर साल 2 बारी कीमो हो जाती थी, तो कोई फर्क नहीं पाया, हारमोन इंजैक्शन लगाए जी, उसके नाल भी कोई फर्क नहीं पाया, पानी बनता रहा, बार बार पानी बनता जी, बार बार जो साल जाते ही 60 से 70 हज़ार रुपया लगता सी, एक हफ्ते का जी, एक हफ्ते का रखते थे जी। काम की करते हो? मैं तो नौकरी करता जी, फिर मैं मतलब रिटायर हूँ 3 साल, 60-70 हज़ार रुपये हफ्ते का, जो भी अपने हस्पताल जाना है। अच्छा, हस्पताल जाना, हस्पताल का खर्चा देगा जी, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। फिर स्वामी जी के पास आके मतलब थोड़ा दवाइया पानी ने देखी, यूट्यूब से इन्होंने सारा मतलब देखा, पहुँच की थी, 1 महीने में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक है। रिपोर्ट नॉर्मल है, नॉर्मल आ गई जी, पेट स्कैन कराइए, ठीक है। और ये इनको अपने शरीर के लेवल पे क्या महसूस होता है?
बिल्कुल ठीक है जी। पहले क्या था? पहले तो पानी बंद सांस चढ़ता है, सांस ठीक नहीं सर्दी उठे नहीं जाता था, उठे नहीं जाता था। अब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है जी। भजन भी करती मैंने सुना? भजन तो करते हैं। सवेरे कितने बजे उठ जाती हैं? सुबह 4 बजे उठ के 4 से 5 एक घंटा तो करते हैं, उसके बाद योग करते हैं, उसके बाद योग करते हैं। ठीक है, चलो अब खुश है। इसके अलावा जो स्वामी जी ने जूस बताया हमें, हाँ, 7-8 चीजों का फ्रेश जूस, जूस मतलब निकाल कर उनको देते हैं फ्रेश। हाँ, ये चीज ध्यान दो कि इन्होंने फ्रेश जड़ी बूटियों का जूस लिया है। हाँ जी, जड़ी बूटियाँ क्या है, क्योंकि अगर बोतलें आती हैं उनकी सब जड़ी बूटियों की जी, बिकती भी धड़ेल धड़ल्ले से हैं, हम भी पिलाते हैं लेकिन हमें भी देते वक्त तसल्ली नहीं मिलती। हमें भी देते वक्त वो तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि हमें पता होता है मजबूरी के कारण दे रहे हैं, इसको ताज़ी मिलनी नहीं वहाँ या यहाँ कुछ है, जिसको ताज़ी मिल जाए वो तो तर गया। फ्रेश निकाल के देते हैं। आओ मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या जड़ी बूटियाँ ली, क्या डाइट ली, ताकि आप लोगों को भी उसी तरह से करने में मदद मिले। चल खुश रहो। तो ये है रिपोर्ट इनकी पहले की, जिसमें इनको नोड्यूल्स आए हैं थोड़े छोटे छोटे ब्रेस्ट में, बहुत छोटी हैं आप, इसीलिए जल्दी ठीक हुआ है। कई लोग पूछेंगे भी इनको महीने सवे महीने में ठीक हो गया, किसी को तो साल लग जाता है ठीक होते होते, तो ये इस कारण से हुआ कि छोटी थी समस्या। और साथ में इनके उन्होंने बताया था कि इनके मैलिग्नेंट सेल्स भी हैं बॉडी में, और एडिनोकार्सिनोमा डिक्लेयर हुआ है। काफ़ी देर से चल रहा था इनका ट्रीटमेंट, तो आप ये देख सकते हैं इनकी पूरी रिपोर्ट भी, आप इसको आराम से ऊपर से नीचे तक आप बाद में इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, मैंने आपको दिखा दी है। और अब की जो इनकी रिपोर्ट है वो है ये, जिसमें ये डॉक्टर्स ने ही खुद ही जांच करी इनकी अच्छे से, मैंने नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स ही इनके जो पर्सनल जो एलोपैथिक इनकी ट्रीटमेंट पहले चलती थी वो इन्होंने सारा चेक किया है, सारा उन्होंने डायग्नोस करके उन्होंने सारा कुछ इसको इनको अच्छे से एक बार स्टडी किया है। और करने के बाद जो चीज़ें कुछ गड़बड़ियाँ, जैसे फेफड़ों में पानी अभी है क्योंकि वो फेफड़ों के पानी की दवाई इनको मिल ना पाई, तो बाकी जो है वो कुछ भी अब एक्टिव कोई लीजन कुछ इस तरह का कहीं भी नहीं है बॉडी में। और थोड़ा बहुत प्लूरल इफ्यूजन, थोड़ा सा ये दोनों तरफ फेफड़ों में पानी बताया गया है, और थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ इनको भी इन्फेक्शन है। तो ये मैं बता दूँ कि इसमें कोई भी लीजन कोई भी मास कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया, ये आपकी रिपोर्ट है। परमात्मा करे ये आगे भी ठीक रहें। देखो मैं आपको कोई ज़्यादा इसलिए नहीं वीडियो बना रहा कि आप मेरे पास आओ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आयुर्वेद आगे बढ़े, लोग आयुर्वेद को और ज़्यादा डीप इस पर रिसर्च करें, स्टडी हो साइंटिफिक, इस पर डेटा कलेक्शन हो, इसके ऊपर जो काम होने वाला बाकी वो हो करके प्रॉपर पेशेंट्स को पता चले कि उन्होंने क्या करना है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, आप सबको इससे मोटिवेशन मिले इस भाव से मैंने बनाया है। आप सबका इतना देर सुनने के लिए धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं इन्होंने क्या क्या डाइट ली, क्या क्या दवाइयाँ, क्या क्या औषधियाँ ली। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं सारी औषधियाँ बताऊँगा लेकिन कुछ औषधियों की मात्रा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसको सेल्फ मेडिकेशन करें, कोई भी तजुर्बेबाजी करें। मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके हाथ की हैं, जूसेस और ये सब। बाकी चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि आप लिख लेना ज़रूर, लेकिन वो डॉक्टर अपने किसी जो हैं आपके आयुर्वेद के उनको जाके आगे रखो, उनके उनको पूछो भी हम ये ले 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 तो कैसे ले, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो बताई जा सकती हैं बताऊँगा सारा, लेकिन जो चीज़ें करी जा सकती हैं उसकी तो मात्रा भी साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिया गिलोय की डंडी है, 6-7 इंच की डंडी पुरानी जिस पे छिलका आया होता है, उसका छिलका उतार के वो कुटनी है। उसी दोरी डंडे में सदाबहार के फूल 5 और पीपल के पत्ते 3-4, तुलसी के पत्ते 10-15 और पुनर्नवा का पंचांग, पुनर्नवा इट सिट को बोलते हैं पंजाबी, लोगों को पता होगा बोरीविया डिफ्यूजिया इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसको आपने 15-20 पत्ते टहनी और जड़ इसकी सब डाल जाता है। गेहूँ का ज्वारा 50 ग्राम ताज़ा उखाड़ के,
कितनी मेहनत है, ये आसान काम नहीं है। शीशम के पत्ते 10-15 नाग, क्यों? क्योंकि शीशम के पत्ते क्यों दिए इनको हमने, शीशम के पत्ते ठंडे होते हैं, इनको पेशाब आता था पीला, गर्मी थी अंदर, तो इसलिए शीशम के पत्ते भी डलवाए, क्योंकि तुलसी भी जानी है उसमें 15 पत्ते, और भी सारी चीज़ें जानी है, तो फिर कोई चीज़ गर्मी ना करे इसलिए शीशम के पत्ते। हालांकि पीपल के पत्ते भी ठंडे होते हैं, लेकिन शीशम के पत्ते 15 पत्ते वो डाले, है ना। पपीते के पत्ते, पपीते के पत्ता था पौना पत्ता, पौना पत्ता मतलब एक पत्ते से थोड़ा कम, और नीम के पत्ते थे 5, और शहद, इसको घोटते पहले उसमें जूस निकालना, जूस निकालते वक्त थोड़ा पानी डालना पड़ता होगा, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है उसको रस मिसा बनाने के लिए, फिर उसमें से जूस निकलाता, फिर वो जो फोकट है जूस अलग कर लिया, फिर उस फोकट में थोड़ा सा और पानी डाला, किसी दिन मैं बना के भी दिखा दूंगा आपको लाइव, तो फिर उसमें पानी डाला, फिर घोटा, फिर निचोड़ लिया उसको, फिर जब वो लगेगा दूसरी तीसरी बार फोकट हो गया फिर उसको फेंक दो, है ना। बस वो जो जूस निकला उसमें शहद डाल दिया 2 चम्मच, क्यों शहद डलवाया, क्योंकि इनके फेफड़ों में पानी आ जाता है, तो जूस कई बार कोई कफ ना क्रिएट कर जाए तो उसके लिए हम इसमें शहद डलवाते हैं 2 चम्मच। ये सबसे पहले उठती हैं, उठ करके पानी पीती है बासी, या फिर कई बार कहती मैं वैसे ही पी लेती हूँ कोई, और मैंने इनको बोला तांबे के बर्तन का पानी पियो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का पानी पिएंगे फेफड़ों में और पानी भरने का डर है, तो पहले ही भरता है, तो वो हमने नहीं दिया, तांबे के बर्तन का पानी पिया। फिर उसके बाद ये अपना अंजीर 2 दाने और मुनक्के 3-4 दाने रात के भीगे हुए खा लेती ताकत के लिए। फिर अपना पानी पढ़ती हैं, पाठ करती हैं, नहा धो के योग करती हैं, वही 15 मिनट भस्त्रिका और 1 घंटा अनुलोम विलोम, 30-40 मिनट कपालभाती, यही मिक्स करके ना, उसे थक गए वो कर लिया, उसे थक गए वो कर लिया, तो ये सारा करके फिर उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज हो गई, फिर नाश्ता आ गया। नाश्ते से पहले ये लेती रहती हैं बादाम 5 भीगे हुए, खसखस भीगी हुई 1 चम्मच, भीगी हुई चारे मगज 1 चम्मच, इसको दूध में घोट के पीती है ना, गर्म करके, गर्म करके ठंडा, गर्म करके एक चमचा घी का तड़का लगा, अच्छा तड़का भी लगा लेते घी का उसको, तो ये नाश्ता इनका हो गया। फिर इसके अलावा किसी दिन ये ना लिया तो आंवले का मुरब्बा धो के उसके साथ दूध ले लिया, ये नाश्ता इनका है ना, और इसी तरह कभी दलिया ले लिया किसी वक्त उसकी जगह, है ना, और किसी वक्त कोई रोटी खा लेती, लेकिन मैंने मना किया इनको आज भी, ये गलत है, हाँ गेहूँ या ऐसी चीज़ें ना दिए जाएँ। और फिर इसके बाद ये अपना शाम के समय ये जूस पीती थी सारे, सारी जो हरी जड़ी बूटियों की, पर मैंने इनको आज बोला है कि ये जूस जो है ये सुबह कर लें और शाम को वो जो दूध वगैरह है वो कर लेंगे, तो सुबह क्या कर लेंगी, फिर सुबह ये फ्रूट खा लेंगी भर के उसकी जूसिस के बाद, तो ये चीज़ हमने कर लिया है। मूँग की दाल का सूप, फुल मखाने बोले हुए इनको, पतली छाछ, गाय का घी, दाल जो छिलके वाली होती है जैसे मूंगी की आ गई, या थोड़ी बहुत काला चना आ गया, हाँ हरी सब्जियाँ खूब खाई हैं, खाई हैं, हाँ खूब खाई हैं, घर की सब्जियाँ, घर की सब्जियाँ, देखो इनको ये मौज है, ऑर्गेनिक घर ही उगा लेते हैं, होंगी ना इनके पास जगह, चलो खुश रहो। फल फ्रूट खाए हैं केला छोड़ के, राजमा मैंने इनके पकड़े हैं, ये राजमा खाई जाती भी नहीं, गलत बात, राजमा चावल नहीं खाओ, कभी कभी खाए होंगे, कभी कभी पर ना खाओ, बंद कर दो, क्योंकि ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आई तो अच्छी बात है। मैं कैंसर वाले रोगियों की ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, कोई आदमी निराश हो जाता है, जैसे अभी ये ठीक हो गई हैं, मान लें कि आज से लाइफस्टाइल ख़राब हो जाए, फिर बेकार कर लें ये अपने आप को, राजमा खाई जा रही, मैं पकड़ूँ ना इनको, मेरे पास टाइम ना हो, मैंने इनको भगा देना, इन्होंने करी जाना, इनको कौन टोकेगा, तो इन्होंने फिर ख़राब कर लेना अपने आप को, तो इसलिए मेरा मन होता है कि मैं ज़्यादा लोगों को गाइड करूँ और वो गलतियाँ ना करें सारी, ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसके अलावा हमने इनको 5-6 भस्मों का एक योग बना कर दिया, जो कि आप अपने चिकित्सक से ही पूछिएगा कि भाई इसको किस मात्रा में, किस अनुपान से लेना है, क्योंकि ये चीज़ें मैं बता जरूर रहा हूँ चिकित्सक भाई बहनों को आइडिया देने के लिए कि ये दवाइयाँ साथ में यूज़ हुई हैं, पर मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि कितनी मात्रा में, क्योंकि लोग खुद करने लग जाते हैं उसको। तो इनको हीरक भस्म, पन्ना भस्म, स्वर्ण भस्म, रस कपूर, सर्वेश्वर प्रपटी और ताम्र भस्म, इसका एक कॉम्बिनेशन साथ में गया है, थोड़ी लक्ष्मी विलास रस गई है,
थोड़ी बहुत अब हमने इनका देखा है कि इनको कफ केतु रस दिया था फेफड़ों का पानी सुखाने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं, तो अब हमने उसकी जगह पे इनको टंकन भस्म और स्फटिक भस्म वगैरह लगाई है। बाकी ये सब चल रहा है अभी, और एक आध महीना या दो महीना और मेडिसिन चलेगी, उसके बाद फिर ये अकेली वो जूसेस वाली डाइट ही लेती रहेंगी जो जूस मैंने अभी आपको बताए थे, तो उससे ये ठीक नहीं है।